हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहो इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं मगध राजन मां आज सभी के लिए लेके आया हूँ फिर से केमिकल बॉन्डिंग का नया टॉपिक, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, हम लोगों ने पढ़े थे बच्चा आयनिक बॉन्ड, है ना? नहीं, थोड़े से पढ़े थे। इससे पहले हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ चुके हैं, मेटेलिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं। मेटेलिक बॉन्ड में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप सॉलिड स्टेट जब पढ़ोगे ट्वेल्थ क्लास में तो वहाँ मेटेलिक बॉन्ड के बारे में ज़्यादा जान पाओगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है आज पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड किस तरीके से अपनी ज्योमेट्री दिखाते हैं, आयनिक बॉन्ड क्यों बनते हैं, ठीक है, क्या जरूरत होती है आयनिक बॉन्ड बनने की और कैसे बनते हैं, ठीक है, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, उनके लिए किस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी कैलकुलेशन हम लोग आज यहाँ पर करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयनिक बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। पहले तो डेफिनेशन लिख लो आप आयनिक बॉन्ड की। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो आयनिक बॉन्ड की। द केमिकल बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली ट्रांसफर्ड। टू मेक अ बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब क्या कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन तक जाने के लिए कंप्लीटली ट्रांसफर किए जाते हैं, है ना, शेयरिंग नहीं किए जाते। जैसे हम लोग अब तक देख रहे थे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग नहीं किए जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ NaCl, तो ये NaCl कब बनता है, जब Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन आपस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो आप देखो बच्चों ध्यान से कि यहां पर जो सोडियम है, इसका अगर मैं एटॉमिक नंबर देखूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11, और इसके बाह्यतम कोष आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये होगा 2.8.1, आउटर मोस्ट सेल में होगा इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑनली। ठीक है, उसी तरीके से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और यहां पर जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 7। ठीक है, अब बात आती है यहां पर कि टू अक्वायर द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन और टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है, दे शुड कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। मतलब इनको क्या करना पड़ता है, स्टेबिलिटी गेन करनी पड़ती है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेंगे, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ठीक है, और ये सब क्यों करते हैं, ताकि उनको क्या मिल जाए, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाए, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। आपको पता है कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें जो सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप होता है 18 नंबर का ग्रुप जो होता है, ठीक है, इनर्ट गैसेस नोबल गैसेस बोलते हैं उनको। ठीक है, उनके आउटर मोस्ट सेल में सभी में क्या होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, एक्सेप्ट हीलियम, वहां पे डुप्लेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करेगा, ताकि उसके पास, क्योंकि यहां 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो दिक्कत की बात है, क्योंकि इसकी जो शेल की जो पावर है वो इतनी नहीं है कि वहां पर वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। ठीक है, और यहां पर ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते उसका पूरा एक शेल खत्म हो जाएगा, इसलिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और ये क्या करेगा, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पर यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस वन चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2.8, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2.8.8। तो इस तरीके से दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं,
दोनों क्या कर लेते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या हवा में किया? नहीं, हवा में नहीं किया। इनको क्या है, एक एनर्जी प्रोवाइड की गई है वहां पे, या तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दी जाएगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन निकाले जाएगा तो एनर्जी जो होगी क्या बोलेंगे, गेन होगी, और यहां से इलेक्ट्रॉन जब हम लोग देंगे तो हमें एनर्जी निकलेगी वहां से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे वहां पर एनर्जी की, जो किस टाइप की एनर्जी दी जाती है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो है एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बना है। क्या बना है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और यहां पर ये क्या बना है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इसका मतलब यहां पर इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वहां पर जो एनर्जी है वो क्या होगी, गेन होगी। ठीक है, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और यहां पर क्या होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, एनर्जी यहां पर बाहर निकलेगी, रिलीज होगी। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोगों को सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है। और जब यहां पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रो स्टेटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बन जाएगा। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। दोनों के ऊपर चार्ज आ जाएगा और दो चार्ज के बीच में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, आयनिक बॉन्ड। और इसकी वजह से ही आयनिक बॉन्ड का जो दूसरा नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड लिखते हो, सॉरी, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी वजह से इनका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या बन गया, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के बीच में और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बीच में। ठीक है, तो एक एक करके सारे पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट will donate the electron electro negative element will gain the electron। ठीक है, in donate the electron the energy will absorb to donate the electron, energy will absorb to gain the electron, energy will released। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट सबसे ज्यादा हमें मिलते हैं फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए में, दैट मीन्स मेटल। ठीक, फर्स्ट ए मतलब कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, और तीसरा बैंगन आलू गाजर इन थैला, वो सारे ग्रुप जो हैं
वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट में काउंट होंगे। इसका मतलब वो सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेंगे। और जनरली बात कर रहा हूं मैं, हमेशा यही करेंगे, जरूरी नहीं है, डी ब्लॉक के एलिमेंट भी आते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे फिफ्थ ए से लेकर सेवंथ ए तक। ठीक है, मतलब कि नॉन मेटल्स, जनरली बात है। ये भी क्या है, जनरली जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होंगे, फिफ्थ ए से लेकर सेवंथ ए। फिफ्थ ए मतलब कि नाइट्रोजन फैमिली, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। उसके बाद में और स्टाइल से टीपो, सिक्स्थ ए, फिर सेवंथ ए, फिर कल बार आई एंटी। ठीक है, वो सब आपको याद रखने हैं बच्चों, उनके थ्रू हम लोगों के एलिमेंट्स याद रखने हैं वहां पर। क्लियर, तो सातवां पॉइंट ये है कि यहां पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एब्जॉर्ब, उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और टू गेन इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज्ड, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, कहां पे पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। क्लियर, फिर भी मैं एक बार वो यहां पे इनकी डेफिनेशंस बताऊंगा। ठीक है, नवा पॉइंट ये है, नवा पॉइंट यह है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बिटवीन टू एलिमेंट्स शुड बी हाई। क्या होना चाहिए यहां पर, शुड बी हाई होना चाहिए, सो मेक मोर आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। जैसे आपको अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि बताओ बच्चों कि NaCl और मैग्नीशियम Cl2, इन दोनों में से ज्यादा आयनिक कौन होगा, इन दोनों में से ज्यादा आयनिक कौन होगा, तो ज्यादा आयनिक होने के लिए ज्यादा से ज्यादा वो मेटल जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट वो फर्स्ट ए से बिलोंग करे, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहां से बिलोंग करे, सेवंथ ए से। ठीक है, तो दूरियां जितनी ज्यादा होंगी उनके बीच में उतना ही ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा और उतना ही ज्यादा वो आयनिक कैरेक्टर रखेंगे। ठीक है, अब अगर आप मैं इनको ध्यान से देखूं तो ये क्लोरिन क्लोरिन तो हमेशा कहां पर रहेंगे, क्लोरिन जो है सेवंथ ए से बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब हेलोजन फैमिली सेकंड लास्ट ग्रुप है ये पीरियोडिक टेबल का। लेकिन यहां पर जो सोडियम है, सोडियम आपका फर्स्ट ए से बिलोंग करेगा और यहां पर मैग्नीशियम जो है ये सेकंड ए से बिलोंग करेगा। तो मुझे बताओ कि किसमें ज्यादा डिफरेंसेस है, फर्स्ट ए सेवंथ ए में या फिर सेकंड ए सेवंथ ए में, तो आपको पता पड़ेगा कि फर्स्ट ए और सेवंथ ए में ज्यादा डिफरेंसेस है। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है डेल्टा ई, डेल्टा ई एन वो क्या है, ज्यादा है इसमें। ठीक है, और डेल्टा ई एन ज्यादा है तो आयनिक नेचर किस में ज्यादा होगा, NaCl में ज्यादा होगा। ठीक है, आयनिक नेचर, आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, NaCl में ज्यादा होगा। ठीक है, तो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना ही ज्यादा वहां पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टेंथ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि नंबर ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। जैसे सोडियम है, सोडियम आपसे बोला जाए कि सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम
इलेक्ट्रोवेलेंसी ऑफ सोडियम, तो आप क्या करोगे कि यहां पर सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी कितनी होगी बच्चों, वन होगी। उसी तरीके से आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन, तो इलेक्ट्रोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन भी कितनी होगी, वन होगी, क्योंकि वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 पॉइंट आपको याद रखने हैं किसके लिए, आयनिक बॉन्ड के लिए। फिर से एक बार बता देता हूं कौन कौन से याद रखने हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वहां पर एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वहां पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं ज्यादातर वो फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड ए में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो ज्यादातर फिफ्थ ए से सेवंथ ए तक पाए जाएंगे। ठीक है, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, टू गेन इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिलीज इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में लिखवा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बिटवीन टू एलिमेंट शुड बी हाई, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, इट इज सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपसे क्वेश्चन भी बन के आते हैं। क्वेश्चन कैसे बन के आएंगे, मैंने आपको बता दिया कि आपसे पूछा जाएगा विच इज द मोर आयनिक, विच इज इन विच मोर आयनिक कैरेक्टर बिटवीन द फॉलोइंग, तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा कि किसमें ज्यादा दूरियां हैं, जहां पर ज्यादा दूरियां रहेंगी वही आयनिक नेचर में ज्यादा रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज देयर इलेक्ट्रोवेलेंसी ऑफ द एलिमेंट, उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोवेलेंसी कैसे डिसाइड करें कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो वहां पर गेन कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स बता रहा हूं, उदाहरण के तौर पर आप मुझे बताइएगा कि उनकी इलेक्ट्रोवेलेंसी कितनी होगी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल है मान लीजिए आपको बनाना है CaO, अभी CaO बनाओगा तो यहां पर इलेक्ट्रोवेलेंसी कितनी रही होगी, तो आपको वो चेक करनी है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। तो कैल्शियम जो है बच्चों इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ये होगा 2.8.8.2। ठीक है, और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8.2.6। क्लियर, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहां से दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाने हैं, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाते ही वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम प्लस टू बन जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो डोनेट कराएगा और यहां पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम प्लस टू। इसका मतलब यहां से दो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये इसको दे देगा। जब दो इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा तो कैल्शियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.8.8, और जब ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस टू। ठीक है, और यहां पर जो ऑक्सीजन है वो क्या कर लेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करते आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका, और यहां पे चार्ज आ जाएगा 2-। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इन दोनों चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से यहां पर जो कैल्शियम की वैलेंसी रहेगी, कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी रहेगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, दो। और उसी तरीके से इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन वो भी कितनी हो जाएगी, दो। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन किए जाएंगे वही उनकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी। अब जैसे एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, चाहे आपकी मन हो वैसा ले लो, बस वहां पे क्या होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड को आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, आउटर मोस्ट सेल में 2.8.2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसी तरीके से जो क्लोरीन है यहां पर उसका एटॉमिक नंबर भी होता है 17, तो यहां पर 2.8.7। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर क्लोरीन है दो, क्लोरीन है यहां पर दो, 2.8.7।
ठीक है, दो क्लोरीन है तो हमने दो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। अब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसके पास में, मैग्नीशियम के पास में, आउटर मोस्ट शेल में, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, ठीक है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा और यहां पर जो मैग्नीशियम है उस पर चार्ज आ जाएगा प्लस टू और वो क्या कर लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और जो क्लोरीन रहेगा तो यहां पर दो क्लोरीन रहेंगे, दोनों के ऊपर माइनस वन आएगा तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको टू सी एल माइनस और यहां पर जो ऑक्टेट रहेगा 2.8.8, ठीक है, दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा एक क्लोरीन का माइनस का 2.8.8 रहेगा, दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है मैग्नीशियम की, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम ये रहेगी बच्चों दो, और इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन वो तो वन ही रहेगी क्योंकि एक क्लोरीन के पास में एक ही तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन रहेगी वन और इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम रहेगी टू, क्लियर। और भी क्वेश्चन है जो आप लोग करके लेके आना बच्चों, ठीक है, जितने भी आयनिक कंपाउंड है आप बनाने की कोशिश करो उनको, इस तरीके से इलेक्ट्रोवैलेंसी जनरेट होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी जनरेट होने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे या फिर गेन करने पड़ेंगे, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों, कल फिर हम लोग देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड जो है उसके अंदर किस तरीके से हम लोग एनर्जी का डिफरेंसेस देखते हैं और एनर्जी को कैसे काउंट करते हैं, क्लियर। थैंक यू वेरी मच।